एबीपीएस न्यूज। क्या समस्या क्या है, बैठो उधर पहले कुर्सी बैठो, चल उसमें बैठो, नहीं नहीं कुर्सी क्या खा रहे हो महाराज, इधर बैठ के खाओ ना, उधर नीचे पे बैठो, ठीक है, देखो बढ़िया खिला रहे मुंशी जी, इधर बैठो ऊपर, कुर्सी आपके लिए डलवाई है सरकार ने, बढ़िया से जूते क्यों उतार दिए, तो कम मंदिर में आए हो क्या, देखो हम भी तो पहने हैं, हैं आप भी पहना करो, हम क्या समस्या है था जी, ये मारा पीटी करते हैं, कौन जी, सोनू, सोनू कौन है, मोड़ा है आपका लड़का है, हाँ सगा लड़का, हाँ क्या परेशानी करता है, ये करता है दाढ़ी पी के मारा पीटी करता है, जेल भेज दें, भेज दे सर, मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो आते आगे, चलो ये तुम पापा है, तुमसे मैं माफी मांग रहा हूँ, हाथ रख दे, आशीर्वाद दे बाबा, बुजुर्ग मेरे ऑफिस में आए और उनकी समस्या थी कि उनका बेटा शराब पीकर उनको और उनकी पत्नी को मारपीट करता है। मैंने देखा कि वो अपने जूते कुछ दूर पर खोल कर आए थे, या तो उनके मन में भय था कि बड़े अधिकारी के ऑफिस में जा रहे तो जूते बाहर उतारें, या आस्था थी कि एक ऐसी जगह जा रहे जहाँ से न्याय मिलेगा, राहत मिलेगी, सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। तो पहले मैंने उनको अपने साथ बराबर में बैठा कर उनसे बात की, उनके मन के अंदर जो भाव थे उनको जानने का प्रयास किया, और उसके बाद उनके गांव जाकर तत्काल लड़के को बुलवाया, तो वो लड़का जब उनके चरणों पर गिरकर माफ़ी मांग रहा था, तो मुझे लगा कि यही पुलिस की नौकरी में हम किसी को भी आसानी से न्याय दिला सकते हैं, और वही मैं हमेशा कोशिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत।